सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन। अब हम लोग आप लोगों के पार्ट नंबर थ्री, जो सब्जेक्ट थ्री है ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री का हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और हम थर्ड के आएंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल सा है, हमें बेसिक चीज़ें समझनी है इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंडिया के इस खूबसूरत मैप के साथ। ठीक है, देखिए क्या है ये मैप, आप लोग कॉपी में बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्या कैसे बनाएंगे, स्टेंसिल वगैरह से, है ना। और वैसे ही एग्जाम में मैप बनाने के लिए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए, हमें अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए मैप का एक प्रोटोटाइप बनाना है स्टेंसिल वगैरह से, है ना, और जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसे मार्क भी करना है। ठीक है, इस मैप को बनाने के मेरे दो कारण है, मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोगों को समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो पहले और आपको लोगों को मतलब पता हो। मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, इसको बिल्कुल भी जिसने आज तक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं सुना है वो भी इस चीज़ को समझेंगे ढंग से। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कि मानी हुई, ये काल्पनिक लाइंस हैं। कभी भी ये नहीं है कि ये लाइंस रियल हैं, या इन लाइंस को हम मैप पे या हम जब धरती पे जाएंगे ढूंढेंगे तो ये मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, चीज़ों को समझने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए बनाई गई हैं बस मैप पे। ठीक है, पहला कारण तो ये, लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, आप समझते हैं। देखिए नाम से दिख रहा है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, ऐसे याद रहेगा, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, यानी कि ऐसे लेटी हुई है। जैसे इंडिया का मैंने देखिए बड़ा है मैप, ये एक छोटा बनाने की कोशिश करी, तो ये ऐसी लाइंस, ये लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड है, यू। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या है? जो लंबी खड़ी लाइंस है। ठीक है, तो ऐसे इंडिया एक ग्रिड में पैक हो रहा है, ग्रिड में, है ना। ये सिर्फ मानी हुई लाइंस है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, लाइंस असली में नहीं है, है ना, हमने चीजों को समझने के लिए वो बना लिया है। ठीक है, इंडिया ऐसे ग्रिड में पैक हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, लैटिट्यूड का काम क्या है, वो क्लाइमेट को, क्लाइमेट समझाती है हमें कि एक जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, लैटिट्यूड से क्लाइमेट पता लगता है हमको। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम पता लगता है। लैटिट्यूड से क्या पता लगता है? क्लाइमेट, और लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे आए। देखिए इंडिया का, अब क्वेश्चन आएगा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया जो फैलाव है इंडिया का वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से पता लगता है, लंबाई, क्योंकि ये यूं है ना। अब जैसे मान लीजिए इसका कोई नंबर होगा और इसका कोई नंबर होगा तो ये लंबाई चौड़ाई पता लग जाएगी, सॉरी लंबाई पता लग जाएगी। ऐसे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसका कोई नंबर होगा, इस लास्ट वाले का कोई नंबर होगा तो चौड़ाई पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए लैटिट्यूड चालू हो रहा है नीचे 8 degree 4 minutes से, किससे? 8 degree 4 minutes नॉर्थ से। 8 degree क्या है? डिग्री तो एंगल है जिससे बनाया गया है, 4 minutes क्या है? ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, पहली बात तो, है ना, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये क्या है? देखिए डिग्री की छोटी इकाई होती है मिनट्स, उसको ही मिनट्स बोलते हैं जो टाइम वाला मिनट होता है। एक मिनट में जितने, एक मिनट में 60 seconds होते हैं ना, वैसे एक मिनट में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 8 degree में 60 minutes भी होते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मिनट वाले को आप टाइम से ना जोड़े, पहली बात तो ये। तो यूनिट क्या है? 8 degree 4 minutes से तो ये चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 37 degree 6 minutes तक, और नॉर्थ लगानी है आपको कि ऊपर है ना भाई। 8 degree 4 minutes से स्टार्ट होकर 37 degree 6 minutes तक इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। कैसे? क्योंकि देखिए 8 degree 4 minutes, फिर ये बढ़ रहा होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करते करते ये कहाँ पहुँच गया? 37 degree 6 minutes तक। ठीक है, अब बात आती है लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड चालू हो रहा है, इधर से चालू होगा 68 degree 7 minutes east, 68 degree 7 minutes east। अब आप लोग कहेंगे हम ईस्ट ईस्ट नॉर्थ कैसे याद रखेंगे, कौन सा नॉर्थ है कौन सा ईस्ट है, ये खत्म कहाँ हो रहा था? नॉर्थ पे, इसलिए इसका नाम नॉर्थ था, ये खत्म कहाँ आएगा? ईस्ट में, इसलिए इसका नाम ईस्ट है। देखिए हर चीज़ को आपको, अगर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, मैं भी बताता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन खुद की भी क्रिएट करती रही है। भाई लेटिट्यूड मैंने बताया, लेटी हुई लाइन्स, लेटिट्यूड बोलेंगे, कहाँ से चालू होगी? 8 degree 4 minutes नॉर्थ से 37 degree 6 minutes नॉर्थ तक। नॉर्थ क्यों? क्योंकि नॉर्थ पे खत्म हो रही है। 68 degree 7 minutes ईस्ट से लेकर 97 degree 25 minutes ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड खत्म होगी। क्यों ईस्ट है ये? क्योंकि ईस्ट में खत्म हो रही है, ईस्ट है ना भारत का, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। तो अच्छा, इसका नंबर क्या है? 68 degree 7 minutes ईस्ट, 97 degree 25 minutes ईस्ट। ये मिनट्स क्या है? अच्छा मिनट देखिए ऐसे लिख रहे हैं इसको हम, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ।
97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। मिनट्स मतलब ये सेकंड मिनट वाला नहीं है, ये डिग्री की छोटी यूनिट है। ठीक है, अब बात आती है, एक आपने बार बार वर्ड सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या सुना होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से गुजर रही है। आप पेज नंबर निकालिए 3 बुक में, तो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, उसे कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो भारत के बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। ऐसे है ना, बिल्कुल दो पार्ट में इंडिया को बांट रही है। उसका नंबर क्या होगा? देखिए नॉर्मल सी बात है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो उसके बीच का कोई नंबर होगा, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नंबर है, जो इंडिया को दो भागों में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, नंबर क्या है ना, उसका लैटिट्यूड नंबर क्या है, क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, कहीं कहीं बुक में यह भी लिख रहा होगा 23 एंड हाफ डिग्री ये लिख रहा होगा, तो 30 को कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला एक डिग्री में 60 मिनट, 30 डिवाइड बाई 60 हाफ हो गया ना भाई। मैं बोलूं कि 150 सेकंड, तो आप 2 मिनट 30 सेकंड लिख देंगे ना उसको, या ढाई मिनट लिख देंगे ना उसको, वही बात हुई, उसको हाफ को कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ भी बोल सकते हैं, और 23 डिग्री 30 मिनट्स, ये मिनट्स का साइन ऐसा है डैश लगता ऊपर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है शायद यहाँ तक। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे रहा हूँ इसका मैं आपको, फिर हम लोग समझेंगे क्या है आगे, फिर और बातें। मेरे को सिर्फ अभी इतना बताना था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती है और एक्सटेंड क्या है दोनों के, और ये बातें आप याद रखेंगे है ना, ये इस यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन गए एग्जाम के लिए। ठीक है, एक एक नंबर के। पहला, लैटिट्यूड क्या है, जो ऐसी लाइन्स हैं, स्लैंटिंग लाइन्स हैं, इनके भी डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेंगे। तो लैटिट्यूड में क्या है, कहाँ से, अच्छा पहला आएगा भारत का लैटिट्यूडल एक्सटेंड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, भारत को कौन सी लाइन है जो भारत को दो भागों में बांटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका लैटिट्यूड नंबर क्या है, 23 डिग्री, या तो 23 एंड हाफ डिग्री बोल दो, या 23 30 मिनट्स नॉर्थ बोल दो। ठीक है, वो भारत को आधे आधे हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसमें जो आपके लोगों के ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोग ने लिख लिया होगा होपफुली। ये बनाने के बाद आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नंबर लिख लें, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लें, जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, या आप लोगों के पेज नंबर फर्स्ट है ना जो इस चैप्टर का, उसमें लोकेशन लिखा हुआ है, ये सब पहले पैराग्राफ का है, मैं अभी साइज पे नहीं आया, सब लोकेशन लोकेशन की हम लोगों ने बात करी है, और ये जो बातें मैंने इसमें लिखी हैं ये सब उसमें आ गई। ठीक है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 7 से 97.25, और 23 एंड हाफ, ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बात जो इंडिया को दो भागों में बांट रही है। होपफुली आप लोगों की बात समझ में आई होगी।